हेलो फ्रेंड्स, जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। उम्मीद है आपने पिछले सारे वीडियो देखे होंगे और उन्हें पसंद किया होगा। और यदि अभी तक नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाइए, प्रीवियस वीडियो देखिए। यदि आपको अच्छे लगते तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों से हमारा वीडियो शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में ही बनी बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए, उसी से आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप समय पर उसका लाभ ले सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के टॉपिक पर चर्चा करना, जो कि भौतिक विज्ञान की पाठ्य योजना की सीरीज़ की अगली पाठ्य योजना है, पाठ्य योजना क्रमांक 5। अभी तक हम इसके 4 वीडियो बना चुके हैं। यदि आप प्रीवियस 4 वीडियो देखना चाहते हैं, 4 पाठ्य योजना देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसे खोलिए। वहाँ पर आपको फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान की प्ले लिस्ट मिलेगी, उसे खोलिए और वहाँ से आप इसके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले आपको पाठ्य योजना का क्रमांक डालना होता है, फिर उसके बाद इस तरीके से बॉक्स में आपको अपने बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी, जैसे कि आपके विद्यालय का नाम और आपका नाम और आप किस कक्षा कब में ये पढ़ाने वाली हैं वो, और आपके टॉपिक के बारे में और विषय के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको इसमें भरनी होती है। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर विद्यालय का नाम, कक्षा हमारी छात्री का प्रकरण है, विषय है विज्ञान, उपविषय है भौतिक विज्ञान और प्रकरण है हमारा गति, दिनांक जिस भी दिनांक आप प्रेजेंटेशन करें, कालखंड जिस भी पीरियड में आप पढ़ाएं, और समय 35 मिनट या 40 मिनट जितने का भी आपका पीरियड हो। सामान्य उद्देश्य, हमारे सभी भौतिक विज्ञान पढ़ाने के सामान्य उद्देश्य एक समान होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर पूर्ववत लिखा हुआ है। आप प्रीवियस वीडियो से देखकर सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं, हमारा प्रकरण गति है, तो यहाँ पे हमने गति से संबंधित 4 विशिष्ट उद्देश्य लिखे हैं। आप 1-2 भी लिख सकते हैं, या आपको कोई निश्चित संख्या बोली गई है तो आप वो उतने भी लिख सकते हैं, इन्हें बढ़ा भी सकते हैं। शिक्षण बिंदु, हम इस पूरी पाठ्य योजना के दौरान 3 शिक्षण बिंदु पर चर्चा करेंगे, सामान्य गति और असामान्य गति, चाल औसत चाल और औसत चाल का सूत्र व गणना। शिक्षण विधि, हम प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्या विधि का इस्तेमाल करेंगे। जैसा मैंने आपको प्रीवियस भौतिक विज्ञान की पाठ्य योजना में भी बताया कि हमारी संपूर्ण पाठ्य योजना प्रश्नोत्तर विधि पर ही केंद्रित होगी। हम थोड़ी सी ही व्याख्या करेंगे, बाकी सारा हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, उन्हीं के ज्ञान के आधार पर हम उनको आगे का ज्ञान देंगे और उन्हीं से खेल खेल में ही प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम उन्हें टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। सहायक सामग्री, चाल मापक यंत्र, कक्षा उपयोगी उपकरण, श्यामपट्ट चौक, डस्टर, ये हो गया हमारा सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र छात्रा गमन पथ का अर्थ जानते हैं, छात्र छात्रा गति व चाल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये हो गया हमारा पूर्व ज्ञान। फिर उसके बाद आता है प्रस्तावना, जिसमें हम क्रमांक, छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया कॉलम बनाएंगे। पूर्व ज्ञान के आधार पर ही हम उनसे प्रश्न करेंगे कि गमन पथ किसे कहते हैं, तो वो बताएंगे चलने के रास्ते को गमन कहते हैं, गमन पथ कहते हैं। फिर हम उनसे अगला प्रश्न करेंगे कि जब कोई वस्तु या जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है तो उसे क्या कहते हैं, तो वो बताएंगे कि इसको स्थानांतरण कहते हैं। फिर हम उनसे अगला प्रश्न करेंगे कि किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिर अवस्था से पूर्ण या आंशिक रूप से स्थानांतरण होता है तो इस स्थानांतरण को क्या कहते हैं, तो इसे गति कहते हैं। गति कितने प्रकार की होती है, तो अब ये उन्हें नहीं पता है, तो हम यहाँ पे ये हो गया हमारा समस्यात्मक प्रश्न, तब हम उनको बताएंगे कि आज हम गति का अध्ययन करेंगे और उसके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण, जिसमें आप क्रमांक, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका व्यवहार, विद्यार्थी व्यवहार कॉलम बनाएंगे। आप हमारा पहला शिक्षण बिंदु है सामान्य तथा असामान्य गति, हम उनसे प्रश्न करेंगे कि सामान्य गति किसे कहते हैं, उन्हें नहीं पता है, तब हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय में समान दूरी अर्थात निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करती है तो उसे गति कहते हैं, और इसका हम एग्जांपल बताएंगे कि घड़ी 1 मिनट व सेकेंड की सुई निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करती है, हम उनको एक्सप्लेन करेंगे, दिखाएंगे, कक्षा में लगी हुई घड़ी दिखाएंगे। इस समय विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। फिर हम उन्हें असामान्य गति के बारे में पूछेंगे तो हो सकता है वो कुछ टूटा फूटा उत्तर दें, बाकी हमारा ये होगा समस्यात्मक प्रश्न। फिर हम छात्र अध्यापिका कथन द्वारा उन्हें बताएंगे कि यदि कोई गतिमान वस्तु निश्चित समय में
भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो असमान गति कहलाती है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसे हम उन्हें बताएंगे कि कोई रेलगाड़ी स्टेशन पर चलती है तो धीमी हो जाती है, फिर तेज हो जाती है, दूसरे स्टेशन पर रुकने से पहले चाल फिर धीमी होती है। इस प्रकार हम उन्हें असामान्य गति के बारे में बताएंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दूसरा उदाहरण हम उन्हें बताएंगे कि जब आप स्कूल आते हैं तो रास्ते में कभी आप तेज चलते हैं, कभी धीमे चलते हैं, कभी रुक जाते हैं। इस प्रकार की गति भी असामान्य गति होती है। आप और चाहें तो उन्हीं आपकी कक्षा के विद्यार्थी को जो भी नॉलेज है आप जानते हैं उनके नॉलेज को, तो आप वो एग्जाम्पल भी यहाँ उन्हें दे सकते हैं। फिर चाल व औसत चाल के बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे। अगला हमारा सेक्शन बिंदु है, मुझसे पूछेंगे चाल किसे कहते हैं, तो वो बताएंगे कि निश्चित समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है तो उन्हें नहीं पता है, तो ये हो गया समस्यात्मक। फिर हम उन्हें चाल का फॉर्मूला बताएंगे। फिर औसत चाल क्या होती है हम उनसे पूछेंगे, तो वो उनको नहीं पता है, तो ये हो गया समस्यात्मक प्रश्न। फिर हम उन्हें बताएंगे कि किसी वस्तु द्वारा कुल समय में चली गई कुल दूरी उसकी औसत चाल कहलाती है, जिसे निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। फिर हम उन्हें फार्मूला लिखवाएंगे ब्लैक बोर्ड पर। विद्यार्थी ब्लैक बोर्ड से देखकर फार्मूला लिखेंगे। फिर हम उनसे उसका MKS पद्धति में मात्रक पूछेंगे, उनको नहीं पता है, फिर हम उन्हें बताएंगे। फिर औसत चाल का सूत्र व गणना बताएंगे हम उन्हें, कि औसत चाल में कुल दूरी बटे कुल समय, इसको मीटर प्रति सेकंड में निकालते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व नोट करेंगे। फिर हम उनसे एक प्रश्न करेंगे और गणना करने कहेंगे, तो वो उनसे नहीं बनेगा। फिर हम उनसे पूछेंगे कि औसत चाल का सूत्र क्या है, तो ये हम उन्हें एक्सप्लेन कर चुके, तो वो बताएंगे। फिर हम पूछेंगे कुल दूरी कितनी है, यानी प्रश्न में कितनी दूरी दी गई है, तो 6 किलोमीटर। दफ्तर जाने में कुल लगा समय कितना है, तो पूरे समय की वो गणना करके हमें बताएंगे, 60 मिनट। अब बताओ कि औसत चाल कितनी हुई, तो वो फॉर्मूले में रख देंगे। उसके बाद हम उनसे प्रश्न करेंगे कि इसकी गणना किस प्रकार करेंगे, तो ये होगा समस्यात्मक। फिर हम उन्हें बताएंगे कि पहले हम किलोमीटर के मीटर व मिनट के सेकंड बनाएंगे, तभी हम औसत चाल का मात्रक के अनुसार मीटर प्रति सेकंड में निकाल सकेंगे। फिर हम उनसे प्रश्न करेंगे कि 6 किलोमीटर में कितने मीटर हुए, तो वो गणना करेंगे, क्योंकि उन्हें किलोमीटर को मीटर में बदलना आता है, तो वो करेंगे कि 6 × 1000, तो 6000 मीटर, ऐसा वो स्वयं आपको करके बताएंगे। फिर आप 60 मिनट का पूछेंगे, तो वो बताएंगे इंटू करके आपको। फिर इस प्रकार हम गणना करना बताएंगे उनको ब्लैक बोर्ड पर, कि इस प्रकार हम इसको की गणना करेंगे। फिर हमारा अगला पॉइंट श्यामपट कार्य, यानी जो भी हमने कक्षा में गतिविधि करी है, वो श्यामपट कार्य पे जो भी कार्य कराया है उसका हमको प्रारूप बनाकर लगाना होता है। इसके लिए आप यहाँ पर एक ब्लैक कार्ड शीट लें, उसको लगाएं, उस पर ये सब लिखें। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी हमने पाठ को एक्सप्लेन किया, जो भी पूरे पाठ योजना के दौरान उन्हें समझाया, एक बार उनकी पुनरावृत्ति कराएंगे कि हमने जो समझाया उन्हें समझ में आया या नहीं। इस प्रकार दोनों का टेस्ट हो जाएगा, उनका भी और हमारा भी, कि हम जो रीति से उन्हें समझा रहे थे उन्हें समझ में आया कि नहीं, और उनका भी कि उन्हें पूरी क्लास में क्या सीखा। तो पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे हम, ये 3 से 5 कितने भी हो सकते हैं, आप अपनी आवश्यकता अनुसार लिख सकते हैं, जितने आप करें उतने भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कक्षा कार्य, यानी कि हम उन्हें बीच में कक्षा में कुछ कार्य करने के लिए देते हैं, जिसके दौरान हम पिछले दिन का उनका होमवर्क चेक कर देंगे, क्योंकि वो भी हमें ही को करना है और इसी दौरान करना है, इसी 40 मिनट में करना है, नहीं तो हमें फीडबैक मिलेगा, नेगेटिव फीडबैक मिलेगा। तो हम उन्हें कक्षा में कुछ कार्य करने के लिए देंगे। फिर उसके बाद आता है गृह कार्य, जब बच्चे कक्षा कार्य कर रहे हैं तब आप पिछले दिन का होमवर्क चेक करें और उन्हें गृह कार्य दें अगले दिन के लिए, जिसमें कि आप उन्हें पाठ से रिलेटेड कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा कि पाठ्यपुस्तक के रिक्त स्थान भर कर लाइए, या फिर आप जो और क्वेश्चन भी उनको दे सकते हैं, अपने मन से भी दे सकते हैं। कक्षा कार्य और गृह कार्य के लिए आप लपेट श्यामपट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर कक्षा का एक तरफ कक्षा कार्य और एक तरफ गृह कार्य लिख के जाएं, उससे आपके समय की बचत होगी और आप अच्छे से प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। उसके बाद आता है टिप्पणी, इसमें जो भी आपका पर्यवेक्षक होगा आपको टिप्पणी देकर बताएगा कि पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसा है, अच्छा है, बुरा है, क्या सुधार की आवश्यकता है। उसके बाद आता है हस्ताक्षर का कॉलम, आपके हस्ताक्षर, विषय शिक्षक के हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। धन्यवाद। जय हिंद।